हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपी टेक स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट रिपोर्ट ऑटोमेशन। तो ये हमारी पैथन की सीरीज है। हमने पिछले सीरीज में पैथन के थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में जाना, कंपेयरिंग किया, फ्लेवर्स के बारे में जाना। हम बात करेंगे कि पैथन का जो कंपाइलर है, जो सॉफ्टवेयर है, वो हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉलिंग हुआ इसको कैसे टेस्ट करेंगे, उसकी पाथ को कैसे वेरीफाई करेंगे, वीएस कोड जिसपे हम पैथन की कोडिंग करने वाले हैं वीएस कोड को कैसे इंस्टॉल करेंगे, और हम एक सैम्पल प्रोग्राम आपके साथ रन करके दिखाएंगे, साथ में जो इसके पैकेजेस है, उसके हेल्प है, उसको इंस्टॉल करके और चेक करके आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, और जाहिर सी बात है कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए हमें गूगल बाबा से पूछना है। तो गूगल बाबा को हमने यहाँ पे लिखा पैथन डाउनलोड, और ये पैथन की जो ऑफिशियली वेबसाइट है वहां पे आ गया python.org। हम इस python.org पे क्लिक करेंगे तो पैथन की ऑफिशियल साइट खुल के आ गई। यहाँ से पैथन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। ये तकरीबन 55-56 MB का होता है, तो ये आपकी स्पीड के ऊपर है। आपका स्पीड अच्छा है तो तुरंत डाउनलोड हो जाएगा। तो इसको हमने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद जैसे नॉर्मल कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना, उसी तरह से आपको इंस्टॉल करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें जितने भी चेक बॉक्स होंगे ना, सब पे क्लिक कर दीजिएगा। अब मेरे यहाँ पे नहीं आ रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है इंस्टॉल कर रखा, तो मुझे मॉडिफाई, रिपेयर और अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। बट ये नॉर्मली इंस्टॉल होता है, इसको इंस्टॉल में कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको जो नॉर्मली इंस्टॉल कर सकते हैं, तो आई थिंक इंस्टॉल आप कर लेंगे। इंस्टॉलिंग करने में कोई प्रॉब्लम हुई तो स्क्रीन पे मेरे पास नंबर है, मुझे आप कॉल कर लीजिएगा। अब सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल आपके हो गया है तो आपको चेक करना है कि आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। तो चेक करने के दो तरीके हैं। आप यहाँ पे IDLE जो कि ऑफिशियल इसी पे कोड, मैं पैथन का ऑफिशियली ये है, इस पे अगर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पैथन पे यहाँ पे दिखा रहा है, और साथ में मैं यहाँ पे एग्जिट लगा के करता हूँ, तो यहाँ पे भी हम पैथन की प्रोग्रामिंग बड़े आसानी से करते हैं। दूसरा तरीका है कि आप कमांड प्रॉम्प्ट में चले जाएं। जी हाँ, CMD में चले जाएं। CMD कमांड प्रॉम्प्ट में गया है, पावर सेल पे चले जाए, उस पर आप यहाँ पे सिर्फ पैथन लिख के सर्च करें, पैथन आपको यहाँ आ जाएगा। अब इसमें हम बात करते हैं इसकी पाथ को वेरीफाई करना, कि आप इसकी जो पाइथन की पाथ वेरीफाई कर लें, जो होता है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। जी हाँ, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स होता है, उसमें जाकर आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप अपना कोई फोल्डर ओपन करें, साइड में दिस पीसी पे जाएं, प्रॉपर्टीज राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे आएं, और साइड में आपको दिखेगा एडवांस सिस्टम सेटिंग, यहाँ दिख रहा होगा एडवांस सिस्टम सेटिंग। इस एडवांस सिस्टम सेटिंग पे जाएंगे और यहाँ दिखेगा एनवायरमेंट वेरिएबल, एनवायरमेंट वेरिएबल इस पे क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद यहाँ पाथ पे जाके डबल क्लिक कीजिए तो खुल के आएगा। इसमें देखिए कि क्या इसमें आपका पैथन का पाथ ऐड है या नहीं है। एक मिनट, यहाँ पे देखिए पैथन का आपका पाथ का ऐड है, तो पैथन पाथ ऐड है, हमने इसको वेरीफाई कर लिया। अब एक क्यों जरूरी होता है, ताकि जब आप प्रोग्रामिंग करें तो आपका जो वेरिएबल्स है, जो आपकी आपका जो डेटा टाइप्स हैं, और जो इसकी प्रोग्राम के रन करने के जो मॉलिक्यूल एंड सारे जो कंडीशंस है, ये वहां से इजिली कैच कर सके, इसलिए इसका यूज हम करते हैं। अब हम बात करेंगे वीएस कोड की, क्योंकि हम जो प्रोग्रामिंग करेंगे वो वीएस कोड के थ्रू करेंगे, तो आपको वीएस कोड लिखना है। वीएस कोड हालांकि अभी जो मैंने आइडियल खोला उस पर भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लेकिन विजुअल बेसिक पे आपको प्रोग्रामिंग करेंगे तो बहुत सारे सजेशंस वगैरह, एरर की हैंडलिंग और बहुत सारी चीज पे बता लेगा कि क्या करना चाहिए, तो प्रोग्रामिंग करते समय आपको आसानी होगी। बस यहाँ डाउनलोड पे क्लिक कीजिए और इसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से डाउनलोड हो गया, ये तकरीबन 75 MB का सॉफ्टवेयर होता है, इसको भी डाउनलोड करने में उसी हिसाब से टाइम लगेगा। और
जब डाउनलोड हो जा रहा है यहां पे, तो जस्ट इसको क्लिक करके आप क्या कर दीजिए, रन रन करते समय यहाँ सॉरी क्लिक करके VS Code इस तरह का आइकन में आएगा, आपको बस डबल क्लिक करके और रन कर दीजिए। और यहां पे आई एक्सेप्ट कीजिए, फिर नेक्स्ट, और सारे पे क्लिक करके अगेन नेक्स्ट, और फिर यहां पे इंस्टॉल करें, धीरे धीरे करके आपका वीएस कोड इंस्टॉल हो जाएगा। अब वीएस कोड इंस्टॉल हो गया, अब इसको एक बार खोल के देखते हैं। यहां पे वीएस कोड विजुअल स्टूडियो कोड यहां आपको दिख रहा होगा, इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको कीजिए ओपन। ओपन करने के बाद इसमें दो तीन चीज करना होगा। सबसे पहले आपको यहां जाना होगा, कहां पे, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन पे जाइए, क्योंकि आपने वीएस कोड को किया है तो वीएस कोड सिर्फ पैथन के लिए नहीं बना हुआ है, इसमें सी प्लस प्लस, सी एच टी एम एल, सी एस एस सबको कर सकते हैं। इसमें दो चीज करना पड़ेगा, पहला आपको इसमें जो है पैथन को सर्च कीजिए, और पैथन सर्च करने के बाद इसको इंस्टॉल कीजिए। ध्यान रखिएगा, जब पैथन सर्च करे तो आपका पीसी का इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए, क्योंकि ये गूगल प्ले स्टोर की तरह होता है जो कि डाउनलोड करेगा। तो यहां से इंस्टॉल कर लीजिए, अनइंस्टॉल यहीं पे इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल कर लीजिए। जब ये इंस्टॉल हो जाए तो बहुत सारे लोग क्या है कि रन एक करके आता है, रन कोड करके आता है, कोड रन, इसको भी इंस्टॉल करते हैं ताकि कोड जो है इजिली रन हो जाता है, इसका ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप यहां ओपन फोल्डर पे जाएंगे, और जिस फोल्डर में आप अपना फाइल वगैरह रहना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके ओपन करेंगे तो आपका फोल्डर ओपन हो जाएगा। यहां पे ओपन फोल्डर पैथन एंड सिलेक्ट फोल्डर, उसके बाद इसमें आप न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और एक नई फाइल बनाएंगे। आप जो है यहां से इस पे भी न्यू फाइल कर सकते हैं, या फिर बेटर रहेगा कि इस पे क्लिक करें न्यू फाइल। न्यू फाइल करते समय आपको इस तरह की स्क्रीन आएगी, और जो एक पैथन फोल्डर में जो बना हुआ प्रोग्राम है वो प्रोग्राम यहां दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं 2.py करता हूँ। py पैथन का एक्सटेंशन है, इसका ध्यान रखिएगा, py क्या है, पैथन का एक्सटेंशन है। अब यहाँ पे हम एक सिंपल सा कोड रन कर रहे हैं, इसे कोई बड़ा कोड नहीं, सिंपल सा एक कोड हम रन करेंगे। कोड होगा कि हम दो वैल्यू को सम करें और फिर इसको हम प्रिंट करेंगे यहां पर, सिंपल सा। तो मैंने लिखा a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, और फिर c इक्वल टू a प्लस b कर दिया, सिंपल। और इसके बाद यहां लिखता हूं प्रिंट। अब देखिए आ रही है ऑटो सजेशन आ रहा है, तो ये चीजें बाकी सॉफ्टवेयर में थोड़ा मुश्किल होता है, तो हमने टैब से इसको सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट ओपन किया, और इसके अंदर लिखा सम ऑफ ए प्लस बी इक्वल, और फिर कॉमा देके यहां पे मैंने सी कर दिया, सिंपल। अब जो है इस कोड को हम यहां से रन करेंगे, लेकिन ध्यान रखते समय देखिएगा, रन करते समय यहाँ पैथन सिलेक्ट हो, तो अगर नहीं हो तो यहां से आप रन किस पे कर रहे हैं, आप सिलेक्ट कर ले किस पे रन कर रहे हैं, तो रन पैथन फाइल पे क्लिक करके फिर इसको यहां से आप रन करें। यहां दिख गया सम ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 30। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये क्या करवा रहे हैं, मतलब कि इसकी क्या बेनिफिट है, कि क्या मुझे यहीं पे सब कुछ मिलेगा। देखिए ये जो आपका दिख रहा है ये आपका सॉफ्टवेयर एडिटर है, मतलब कि ये आपका एडिटर है जहां पे आप प्रोग्राम बना रहे हैं।
प्रोग्राम बनाने के बाद टेस्ट करने के लिए आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा। जब आपकी प्रोग्राम फाइनल होगी तो फिर इसकी exe फाइल या फिर अदर मोड में ओपन होगी या वेबसाइट में ओपन होगी, वहां पे परफॉर्म करेगी और वहां पे आप जैसा जिस तरह का चाहते वो बन दिखेगा। अब पहले दिन ऐसा चीज नहीं करा सकता क्योंकि आपको पहले पैथन की प्रोग्रामिंग के बारे में, कंसेप्ट के बारे में समझाना होगा, तब जाके इसको आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हालांकि इस प्रोग्राम को हम लोग आइडियल पे भी लिख सकते हैं, आइडियल, यहाँ सेम प्रोग्रामिंग हम आइडियल पे भी कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे लिखा a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, c इक्वल टू a प्लस बी, और यहां लिखा कि प्रिंट ब्रैकेट सम ऑफ a प्लस बी इक्वल, इन्वर्टर क्लोज किया और यहां पे c लिखा और एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करते हैं, यहां पर रन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, एंटर प्रेस करते हैं, यहां पे देखिए 30 आ गया। अब 2 पाई को मैंने यहां पे कर दिया है, अब इसको एक बार यहां से सेव कर लेते हैं, यहां पे राइट क्लिक करके भी सेव किया जा सकता है, सेव ऑटोमेटिक होता है, सी में सेव करना पड़ता है। अब मैं इसको क्लोज कर दिया। अब मैं पावर सेल, हालांकि आप कमांड प्रॉम्प्ट पे भी कर सकते हैं बट कमांड प्रॉम्प्ट में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए पावर सेल ओपन कर रहे हैं। पावर सेल भी एक तरह से सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट ही होता है। अब मेरा जो फाइल है 2 कहां पर है, पैथन, जी ड्राइव के पैथन में, तो यहां लिखूंगा सी डी, यहां पे जी स्लैश बैक स्लैश पैथन और एंटर प्रेस मारता हूं। नहीं गया, सी डी जी स्लैश बैक स्लैश जी में आ गया, फिर यहां पे सी सी डी पैथ, वन बाय वन करना पड़ेगा सर, पैथन आ गया। अब मैं यहां पे 2.py लिखा और यहां पे रन कर दिया। सॉरी माफ कीजिएगा, पैथन लिखना पड़ेगा यहाँ पे, पैथन 2.py आ गया, सम ऑफ ए प्लस वी इक्वल टू 30। तो पैथन प्रोग्राम को डायरेक्ट आप पावर सेल पे भी ओपन कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपनी इसकी बारे में। तो यहाँ हम बात करें स्टार्ट प्रोग्रामिंग, हमने एक सिंपल प्रोग्रामिंग बना दिया, हमने वीएस कोड को इंस्टॉल कर लिया, पाथ वेरीफाई कर लिया, इंस्टॉलेशन को टेस्टिंग कर लिया और पैथन इंस्टॉल कर लिया। अब बात करते हैं इंस्टॉलिंग पैकेज। अब पैकेज क्या होती है, देखिए पैथन सॉफ्टवेयर जो भी मैंने इंस्टॉल किया आपने देखा होगा बहुत ही छोटा सा पैकेज था, कुछ मिनट्स में इंस्टॉल हो गए। क्या लगता है कि पैथन की इतने बड़ी प्रोग्रामिंग का पूरा सोर्स और हर एक चीज जो है आपका इतने छोटे से साइज में है? नहीं, इसने जो सॉफ्टवेयर दिया है आपको, अब सॉफ्टवेयर के साथ आपको पैकेज लेना पड़ेगा। जैसे कि आप मोबाइल खरीदते हैं तो जो काम की चीजें होती है वो मोबाइल के अंदर आपको मिल जाती है, लेकिन अगर आपको जो है और एक्स्ट्रा चीजें चाहिए तो उसके आपको इंस्टॉल करने पड़ते, इसी में आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे PIP जो होता है, PIP वो होता है पैथन इंस्टॉलिंग ऑफ पैकेज, पैथन इंस्टॉलेशन ऑफ पैकेज भी कह सकते हैं। तो पिप करते ही आपके अंदर क्या क्या इसमें इंस्टॉलेशन है आपको यहाँ पूरा दिख रहा है। अब मुझे कोई इंस्टॉल करना होगा, कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना होगा तो मुझे यहाँ लिखना होगा, जैसे मान लीजिए मुझे नमी इंस्टॉल करना है तो INSTALL इंस्टॉल, उससे पहले पिप लगाना होगा, गलती हो गई माफ कीजिएगा, PIP पिप इंस्टॉल NUMPY numpy, एंटर प्रेस कीजिए। अब बता रहा है कि ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो क्या क्या होते हैं इस पर देख लेते हैं।
अब आपको अगर इसके लिस्ट चाहिए तो आप जो है पैथन की जो वेबसाइट है वहां से जा सकते हैं। हम सिंपल से यहां लिखते हैं पैथन पैकेज, पैकेज लिस्ट क्लिक किया। अब यहां पे देखिए मोस्ट 10 तो यहां आ गया, लेकिन यहां लर्न पैथन से आया हुआ है, तो यहाँ पे आप जो है और भी साइट्स हैं उस पे जाइए। अब ये doc.python.org यहाँ दिख रहा है ना, ये आपका ओरिजिनल, जब भी आप यूज करें तो ओरिजिनल वेबसाइट को लेके चले। अब यहाँ पे इसके पैकेज इंडेक्स आपको दिख रहा है, पैकेज इंडेक्स, ये इनके पैकेजेस हैं। तो कौन सा पैकेज किसके लिए काम आता है वो यहाँ पे पूरा दिया हुआ है कि फाइल एंड डायरेक्टरी के लिए क्या है, पैथलिब है, ओएस है, या फिर सीट है, फाइल चैम्प है, सीएमपी है, ग्लोब है, ये पूरा पैकेज दिया हुआ है। तो आप अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हो, लेकिन कुछ पॉपुलर पैकेज है उसको जान लीजिए। पहला है आपका नम्मी, जो मैंने बताया NUMPY नम्पी, वो होता है आपको एरेज के लिए, क्योंकि पैथन में सिंगल डायमेंशन एरे होता है, तो यहाँ पे आपको नम्पी क्या करता है, मल्टी डायमेंशन एरे का सर्विस प्रोवाइड करता है। फिर आता है पांडाज, पांडाज जो होता है डेटा एनालिटिक्स के लिए होता है। तो इसके बाद है XLRD, एक्सेल फाइल, एक्सेल वर्कशीट को हैंडल करना चाहते हैं तो आपको XLRD करके जाना होगा। अलग अलग है इसमें, आप देखेंगे XRD मिल जाएगा यहाँ पे, XLRD। और भी आप ले सकते हैं, यहाँ पे पैर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे पैथन का जो है यूजफुल जो है डायरेक्टरी है वो भी है आपके यहाँ पे। ये यहाँ पे GIU के लिए आपके यहाँ पे देखते हैं PyQt है, TKLL इंटर है, ये आपका WX पैथन है, ये सारे पैकेजेस है, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसमें आप, हम इस पे और भी आगे क्लासेस में चर्चा करेंगे, फिलहाल इसको यहीं पे छोड़ते हैं। तो किस किस तरह के और भी पैथन पैकेजेस है देख लेते हैं। तो ये आपका पांडाज हो गया डेटा एनालिटिक्स के लिए, आपका XLRD हो गया एक्सेल डेटा को रीड करने के लिए, ये आपका मैट मैट प्लॉट लिप करके आता है, वो आपका 2D के लिए होता है, 2D ग्राफिक्स के लिए होता है। तो ये सारे पैकेज इंस्टॉल आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और आता है कि आपके सिस्टम में कौन कौन से पैकेजेज ऑलरेडी इंस्टॉल है कैसे पता चलेगा। ये जो टेस्टो में टर्मिनल है आपके यहाँ दिख रहा होगा, टर्मिनल, टर्मिनल पे जाइए और यहाँ पे सिंपल लिखिए हेल्प, क्या लिखेंगे हेल्प, और हेल्प के अंदर में सिंगल कोड में या बड़ी ब्रैकेट में यहाँ पे लिख सकते हैं MODULES मॉड्यूल्स, और इसको क्लोज करके एंटर मारिए, तो ये मॉड्यूल्स आएगा। लेकिन यहाँ क्लियर नहीं दिखता है, लेकिन यही चीज को आप IDLE पे देखेंगे तो यहाँ आपको क्लियर दिखेगा लिस्ट में। तो यहीं पे लिखता हूं मैं हेल्प ब्रैकेट ओपन सिंगल कोड MO मॉड्यूल लिखना है हमें, MODULES, और इस सिंगल कोड लगाया और इसको हमने एंटर प्रेस कर दिया। नो पैथन डॉक्यूमेंटेशन फॉर द मॉड्यूल, अच्छा यहाँ पे देखते हैं HELP फिर हेल्प, ये यहाँ पे ट्यूटोरियल पे जाने के लिए बोल रहा है कि आप ट्यूटोरियल पे जाइए। देखिए इसमें मॉड्यूल लिस्ट आ जाएगा आपको, अगर हम यहाँ लिखते हैं MODULES,
ये बोला है प्लीज वेट मोमेंट, दिस इज द गेटर। ये सारा मॉड्यूल लिस्ट आ गया, तो आपने देखा हमने ला गया। तो यहाँ पे हेल्प मॉड्यूल्स लिखते हैं तो बहुत सारे केसेस में आ जाता, बट यहाँ नहीं आया। इस पे आपको इस पे आ गया था, हमने पहले हेल्प लिखा, देन हेल्प के अंदर जाके मॉड्यूल्स लिखा, तो इस सारे मॉड्यूल्स जो है आप यहाँ पे आपके सामने अवेलेबल हो गए, आप देख सकते हैं। ईमेल है यहाँ पे, प्रिंट एफ है, सब मॉड्यूल्स है आपके। मेरा एक्सेल आरडी तो भी इंस्टॉल हमने किया, तो इंस्टॉल आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना, जैसे क्यूरी है, मुझे क्यूरी इंस्टॉल करना है, ये आपका क्यूरी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ PIP pip इंस्टॉल QUERY क्यूरी, यहाँ पे क्यूरी। देखा इंस्टॉल हो रहा है, तो ये हमारा इंस्टॉल हो गया, डाउनलोड किया और इसको इंस्टॉल किया। इंस्टॉलिंग यहाँ पे यहाँ दिखा रहा, यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है क्यूरी। इसी तरह से और भी आप करना चाहते हैं तो इसमें आप कर सकते हैं, इसके अंदर जैसे ईमेल, यहाँ पे हमने कहीं पे ईमेल देखा था थोड़ा देर पहले, ईमेल, तो मैंने यहाँ पे लिखा PIP pip और यहाँ पे ईमेल, लेकिन हमें पिप के साथ इंस्टॉल भी तो लगाना है, इंस्टॉल ईमेल। डाउनलोड किया और देखिए इंस्टॉल कर दिया। अच्छा ये बता रहा है कि दिस इज द इशू विद द पैकेज मेंशन अबव नॉट पिप, हिंट सी द अबव इन डिटेल्स। इसे डाउनलोड किया, इस तरह में कुछ प्रॉब्लम इस कारण से नहीं हुआ है, वरना इसमें और बहुत सारे ऐप है, पॉपलिप है और पिटुआई है, ये सारे आपके पैकेजेस है। और दूसरी चीज है कि जैसे जैसे आप आगे हम पढ़ाई करेंगे तो उसे बताएंगे कि पैकेजेस किस तरह से हम यूज करते हैं और इसका इस्तेमाल हम अच्छे तरीके से करेंगे आपके साथ। तो हेल्प के बारे में हमने बातचीत कर ली, हमने इंस्टॉल कर लिया। अब यहाँ पे एक चीज और आता है कि अगर आपको ग्राफिकल हेल्प चाहिए तो आप जो ये जो हमने भी खोल रखा है ये आपका आइडियल, इसी के अंदर हेल्प में जाइए, पैथन डॉग F1 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको यहीं पे आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगा कि पोर्टल मॉड्यूल इंडेक्स, सारे मॉड्यूल के इंडेक्स आपको आ रहा है कि क्या क्या है, किसके लिए यूज किया जाता है, ABC स्टेक बेस क्लासेस अकॉर्डिंग द PEP 331 यहाँ दिख रहा होगा। तो ये पूरा का पूरा आपको जितना जो भी है सब कुछ यहाँ लिस्टेड, सारे कोड लिस्ट यहाँ पे आ जाएंगे, आप इसका यूज कर सकते हैं। एक्सेल आरडी लिप दिख रहा होगा, द इनक्लोज द पैकेज द एक्सटर्नल डेटा XML का है, ये पूरा आपके इस कोड का है। इसी तरह से यहाँ पे ट्यूटोरियल भी है, इसके अंदर अवेलेबल है ट्यूटोरियल, आप इसके देख सकते हैं कि क्या क्या है चीजें हैं। तो इस पे भी आप आसानी से, इसके अंदर भी सैम्पल कोडिंग्स हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चल के हम इसके बारे में भी आपको डिटेल के साथ सिखाएंगे। अब ये चीज बताना इसलिए जरूरी है कि लोग क्या करते हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी लर्निंग के लिए गूगल पे चले जाते हैं, लेकिन गूगल आपको 100% प्रूफ रीड नहीं देता है कि उसने जो कोड दिया है, जो उसने जो डिटेल दी है वो 100% प्रूफ रीड होगा, इसकी गारंटी नहीं है। क्योंकि वहां पे हम जैसे वैसे लोग लिखते हैं जिसका कोई प्रूफ रीडिंग नहीं है, अंदाजा है, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन होता है एक तरह का यूजर मैनुअल होता है, इसमें सब कुछ अवेलेबल होता है। तो आई होप कि आप लोग जो है इस चीज को समझे हैं, और अगली क्लासेस में हम आपके साथ कुछ 8-10 सैंपल कोड को रन करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से हमारा प्रोग्राम रन होता है, प्रोग्राम लिखने का तरीका क्या है वगैरह वगैरह, हम इसके ऊपर आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।